أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صدق الله العظيم. ये सूरह नमल की आयतें हैं। सूरह नमल 19वें पारे में एक सूरत है, ये मक्की सूरत है, उसकी 93 आयतें हैं और 7 रुकू हैं। इनमें से पहली 6 आयतों की तिलावत हमने सुनी है। इन आयतों का तर्जमा सबसे पहले हम सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन, तिलका आयतुल कुरआन व किताबिम मुबीन। तौसीन ये हुरूफ मुकत्तआत में से हैं और हुरूफ मुकत्तआत का तर्जमा नहीं किया जाता। तिलका आयतुल कुरआन व किताबिम मुबीन, ये कुरान और वाज़ह किताब की आयतें हैं। हुदा व बुशरा लिल मुमिनीन, जो ईमान वालों के लिए हिदायत का जरिया और खुशखबरी सुनाने वाली हैं। अल्लदीन युकीमून अस्सलात व युतून अज़्ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम यूकिनून, यानी ईमान वाले वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। इन्नल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फहुम यअमहून, जो लोग आखिरत को नहीं मानते हमने उनकी नजर में उनके अमाल को खुशनुमा बना दिया है, इसलिए वो भटके फिर रहे हैं। उलाइक लहुम सूउल अज़ाब वहुम फिल आखिरति हुमुल अख़सरून, उन्हीं लोगों के लिए बदतरीन अजाब है और वो आखिरत में बहुत नुकसान में रहेंगे। وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, और आपको कुरान यकीनन बड़ी हिकमत और इल्म वाली जात की जानिब से अता किया जा रहा है। ये सूरह नमल की शुरू की 6 आयतें हैं। सूरह नमल मक्की सूरत है, 93 आयतें हैं और 7 रुकू हैं। इस सूरत के मजामीन में शुरू में पहले कुरान करीम की हक्कानियत को बयान किया गया है, फिर ईमान वालों के औसाफ बयान किए गए हैं, फिर ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो नवाजते हैं उसकी मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकिया है, उसके बाद हजरत सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने जो एहसानात किए हैं वो बयान किए गए हैं, जिसके जिम्न में मलिक सबा उसका भी किस्सा वाक़ होगा, उसके बाद रसूल की रिसालत को साबित किया गया है, उसके बाद आखिरत को ख़ास तौर पर साबित किया गया है और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को बयान किया गया है। खैर, ये 6 आयतें पढ़ी है, उसका तर्जमा मैंने किया है। पहली बात तो ये है, हम ईमान वाले वाकईतन बहुत खुशनसीब हैं कि कुरान करीम जैसी अजीम दौलत अल्लाह ताला ने हम सबको अता फरमाई है। कुरान बेशुमार कमालात का मजमुआ है, यानी कुरान करीम के बेशुमार कमालात हैं। चंद बातें मैं आपके सामने उसमें से अर्ज करता हूं ताकि हमें एहसास हो
कि कुरान करीम वाकियतन कितनी कीमती दौलत है। पहली बात कुरान के कमाल के बारे में कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मस्जिद में आराम फरमा रहे थे कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अचानक एक शख्स को देखा जो आपके सिरहाने खड़ा हुआ कलिमे शहादत पढ़ रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने उस आदमी से पूछा कि भाई क्या बात है, आप कलिमे शहादत पढ़ रहे हो? तो उस आदमी ने बताया कि मैं रूम के उन उलमा में से हूं जो अरबी और दूसरी बहुत सी जुबानें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने एक मुसलमान कैदी को तुम्हारी किताब यानी कुरान करीम की एक आयत पढ़ते हुए सुना और फिर मैंने उस आयत में गौर व फिक्र किया तो वो आयत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली उन तमाम आयतों को जामे हैं जो दुनिया और आखिरत के अहवाल के सिलसिले में हजरत ईसा पर नाजिल हुई है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर दुनिया और आखिरत के अहवाल के एतबार से जितनी आयतें नाजिल हुई है उन तमाम आयतों का खुलासा सिर्फ कुरान करीम की एक आधी आयत में आ जाता है और वो आयत है मन युतिल्लाह व रसूलह, पूरी आयत। इससे मालूम हुआ कि कुरान कितनी जामे किताब है कि अगली किताबों की पूरी तफसील सिर्फ एक या आधी आयत में शामिल हो जाती है। एक और बात, एक ईसाई आदमी था, डॉक्टर था, तबीब था, बड़ा आदमी था। उसने हजरत हुसैन बिन अली वाकिदी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि तुम्हारी किताब यानी कुरान में तिब की लाइन की कोई बात नहीं है, यानी डॉक्टरी लाइन की कोई बात जिक्र नहीं की गई है, हालांकि इल्म दो तरह का होता है, इल्मुल अब्दान और इल्मुल अदियान। जिस्मों का इल्म यह भी एक इल्म है, बीमारी की लाइन से, सेहत के लाइन से, और मजाहिब का इल्म यह भी एक इल्म है। कुरान में मजाहिब का इल्म तो बयान किया गया इस्लाम के बारे में, यहूद और नसारा के बारे में, लेकिन डॉक्टरी लाइन से कोई बात बयान नहीं की। तो उसके जवाब में हजरत हुसैन बिन अली बिन वाकिदी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो पूरा इल्म तिब यानी पूरी डॉक्टरी लाइन कुरान करीम की सिर्फ आधी लाइन में, आधी आयत में बयान कर दी है। पूरा तिब, पूरी डॉक्टरी लाइन सिर्फ आधी आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी है। वो ईसाई पूछने लगा कि वो आयत कौन सी है, तो हुसैन बिन अली वाकिदी ने फरमाया कि वो आयत ये है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि खाओ और पियो और इसराफ न करो, यानी अल्लाह ने जो कुछ हलाल चीजें दी है उनमें से खाओ और पियो और इस कदर ज्यादा मिकदार इस्तेमाल मत करो जो नुकसान पहुंचाए। इसमें पूरी डॉक्टरी लाइन आ गई। जाहिरी बात है कि आजकल जो बीमारियां वजूद में आती है वो आमतौर पर जरूरत से ज्यादा खाने पीने की वजह से वजूद में आती है। पेट जब बहुत ज्यादा बढ़ा जाता है तो बहुत किस्म हा किस्म की बीमारियां जन्म लेती है। तो कहने का मतलब ये कि कुरान करीम में हर किस्म की बातें मौजूद है, तिब्बी लाइन की बातें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक आधी आयत में बयान फरमा दी है। खैर, कुरान करीम और हामिली ने कुरान यानी कुरान वालों का एजाज और इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहुत हुआ करता था और सहाबाए किराम रिद्वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के जमाने में भी बहुत इकराम होता था। गज़वे उहद के मौके पर जबकि 70 यानी 70 बड़े बड़े सहाबाए किराम शहीद कर दिए गए तब उनकी तदफीन का मसला दरपेश हुआ कि इनको कैसे दफन किया जाए। चुनांचे एक बड़ी लंबी कब्र खोदी गई जो आज भी नजर आती है जो लोग हज और उमरा के लिए जाते हैं,
और उहद के मैदान में तशरीफ ले जाते हैं तो वहां मालूम होता है, महसूस होता है, लंबी कब्र नजर आती है। अब वहां मसला ये पेश आया कि इस कब्र में पहले किसको दफन किया जाए, पहली लाश किसकी रखी जाए, पहली मैयत कौन सी रखी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सबसे ज्यादा कुरान का हाफिज हो, जानने वाला हो, उसको पहले दफन किया जाए। यह एजाज होता था हाफिज कुरान का, हामिलीन कुरान का और आलिम कुरान का हुजूर के जमाने में। इसी तरह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हाफिज कुरान को बड़े बड़े ओहदे दिए जाते थे और कायदा यह था उस वक्त के जो जितना ज्यादा कुरान का आलिम और हाफिज होता था उसको उतने बड़े दर्जे पर, उतने बड़े ओहदे पर फाइज किया जाता था, रखा जाता था। ये उस वक्त हाफिज कुरान और आलिम कुरान का वैल्यू था। कुरान करीम इतनी सच्ची किताब है कि इसमें जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है, जर्रा बराबर कोई शक की बात नहीं है। यहां तक कि कुरान करीम ने बहुत सारी मुस्तकबिल की बातें बयान की है जिसको हम पेशीन गोई कहते हैं और हमारी जुबान में भविष्यवाणी कहते हैं। तो इस लाइन की जितनी भी बातें कुरान ने बयान की थी हूबहू वो बातें दुनिया में रूनुमा हुई, उसमें जर्रा बराबर फर्क नहीं आया। ये कुरान की सच्चाई है और कुरान की हक्कानियत है। कुछ पेशीन गोइयां यहां बयान करता हूं। पहले नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को वादा किया था जबकि हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम मदीना मुनव्वरा मुकीम हो चुके थे और फिर उमरे की गर्ज से, उमरे की नीयत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम जब मक्का रवाना हुए तो हुदैबिया में पड़ाव डाला। वहां फिर वहां से कासिद भेजे गए मक्का में। मक्का वालों ने उस साल उमरा करने से मना कर दिया और मुसलमानों को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर उमरा किए वापस मदीना आना पड़ा। मुसलमान निहायत गमगीन थे, गमो गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त ये वादा किया लतदखुलुन्नल मस्जिद अल हराम इंशा अल्लाह आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम मुकस्सिरीन ला तखाफून, कि अगर अल्लाह ने चाहा तो अगरचे तुम इस साल वापस जा रहे हो लेकिन आइंदा अल्लाह ने चाहा तो तुम मस्जिद हराम में जरूर दाखिल होंगे, इस तरह कि तुम में से बाज ने अपने सर मुंदवाए हुए होंगे, बाज ने बाल छोटे करवाए होंगे, यानी तुमने उमरा और हज का जो रुकन है, जो अरकान है, वादा किए होंगे। वला तखाफून, और तुम्हें कोई खौफ नहीं होगा। चुनांचे ये पेशीन गोई हू बहू वाके हुई और फतेह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए और उसी तरह मस्जिद हराम में भी मुसलमानों का दाखला हुआ। इसी तरह कुरान ने एक वादा किया था ईमान वालों से वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिनुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ीर्तदा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैअ। तीन चीजों का वादा अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो कोई तुम में से ईमान ले आए हैं और अच्छे अमाल किए हैं अल्लाह ताला उनको जमीन में खलीफा बनाएगा, खिलाफत अता फरमाएगा, जमीन में हुकूमत अता फरमाएगा। ये एक वादा। दूसरा वादा था कि जिस दीन को तुम्हारे लिए पसंद किया है यानी इस्लाम को, उस दीन को तकवियत अता फरमाएगा, कुव्वत अता फरमाएगा। और तीसरा वादा था कि अभी फिलहाल खौफ का आलम है, अल्लाह ताला इस खौफ को अमन में बदल देंगे। ये तीन वादे अल्लाह ताला ने ईमान वालों से फरमाए थे। चुनांचे पहला वादा था कि ईमान वालों में खलीफा बनाए जाएंगे।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका ही में मक्का मुकर्रमा पर मुसलमानों का तसल्लुत हो गया था, मक्का फतह हो चुका था। इसी तरह हुजूर की मौजूदगी में खैबर, बहरीन, मुल्क यमन और अक्सर अरबी ममालिक मुसलमानों की मातहत आ चुके थे। मुल्क हबशा में भी बादशाह नज्जासी मुसलमान हो चुका था, इसकी वजह से हबश भी पूरा दारुल इस्लाम बन चुका था। हिजर के कुछ लोगों ने और शाम के इलाके के कुछ ईसाइयों ने भी इताअत कबूल कर ली थी और जिजिया यानी टैक्स देने पर राजी हो चुके थे। हुजूर के बाद ये सिलसिला और आगे बढ़ा और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में बहुत आगे बढ़ गया, क्योंकि मुसलमान फारिस के बाद शहर, फारिस यानी जिसको आज के दौर में हम ईरान कहते हैं, उसके बाद शहरों में और बसरा और दिमश्क और बाद दूसरे शाम के शहरों पर कब्जा कर चुके थे हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में। फिर ये गलबा मुसलमानों का उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में और बढ़ा, यहाँ तक के तमाम मुल्क शाम और पूरे मिस्र और अक्सर फारिस के इलाकों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। फिर ये तसल्लुत और गलबा उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में और ज्यादा होता चला गया, यहाँ तक के मगरबी जानिब में अंदलुस और किरवान की सरहदों तक और मशरिक में चीन की सरहदों तक इस्लामी सल्तनतें फैल गईं। गर्ज कुल 20 साल की थोड़ी सी मुद्दत में मुसलमान पूरे तौर पर उन तमाम ममालिक पर काबिज हो गए। इसी तरह अल्लाह ताला का दीन मतीन उन सब मुल्कों में तमाम दूसरे मजहबों पर गालिब आ गया, यानी इस्लाम को गलबा नसीब हुआ जिसका अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था, और मुसलमान बेखौफ व खतर अपने माबूद की इबादत यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी आजादी के साथ करने लगे। हालांकि शुरू इस्लाम में, इब्तिदा इस्लाम में हालत ये थी कि कोई अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला मस्जिद हराम में आकर नमाज भी नहीं पढ़ सकता था। फिर उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के बाद हजरत अली करमल्लाह वजहहू का दौरे खिलाफत आया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में अगरचे मुसलमानों के कब्जे में कोई नया मुल्क नहीं आया, लेकिन आपके दौरे खिलाफत में भी मिल्लत इस्लामिया की तरक्की बहुत हुई। तो ये जो दूसरी पेशिनगोई कुरान ने कही थी, दूसरी भविष्यवाणी जो कुरान ने की थी, वो भी हू बहू सच साबित हुई। खिलाफत भी नसीब हुई मुसलमानों को, इस्लाम को गलबा भी हासिल हुआ और मुसलमान बेखौफ व खतर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी भी करने लगे। इसी तरह एक और पेशिनगोई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाई है कि दीन गालिब हो जाएगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुवा अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलल दीन कुल्लिह वलौ करिहल काफिरून। खुदा वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि दीन हक को तमाम दीनों पर गालिब कर दें। चुनांचे ये पेशीन गोई भी इसी तरह मंजर आम पर आ चुकी। ये दूसरी बात है कि इसकी पूरी तकमील यानी पूरी दुनिया पर दीन इस्लाम का गलबा जिसका कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया है, वो भी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो अनकरीब पूरा होने वाला है। यानी इससे मुराद है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुजूल होगा दुनिया में दूसरी मर्तबा कयामत से पहले पहले, उस वक्त दीन पूरी तरीके से गालिब आ जाएगा। तो ये पेशीन गोई भी हू बहू पूरी हुई। एक और पेशीन गोई शुरू जमाने में, इब्तिदाई इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते अकदस को दुश्मनों की तरफ से नुकसान पहुंचाने के खतरात रहा करते थे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर से वादा फरमाया, वल्लाहु यासिमुक मिनन नास, अल्लाह ताला आपको लोगों से बचाएगा। इस पेशीन गोई के मुताबिक
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होती रही, हालांकि आपके दुश्मन रात दिन 24 घंटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें और नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करते रहे, लेकिन जैसे अल्लाह ने वादा फरमाया था वल्लाहु यासिमुक मिनन नास, अल्लाह लोगों से आपको बचाएगा, उसी तरह अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत की। आप जानते हैं कि यहूदियों ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज बिल्ला शहीद कर देने का मंसूबा बनाया था। हुजूर अपनी एक जरूरत के वास्ते वहां तशरीफ ले गए थे। हुजूर को यहूदियों ने एक दीवार के पास बिठा दिया और दीवार के ऊपर एक आदमी को चढ़ा दिया और उसको ये समझा दिया कि आप वो आदमी हुजूर के ऊपर बड़ा पत्थर गिरावे ताकि नऊज़ु बिल्लाह हुजूर शहीद हो जावे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी और हुजूर वहां से वापस सही सलामत अपने घर अपने ठिकाने पर तशरीफ ले आए। इस तरह अल्लाह ताला ने हर मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई है। तो ये पेशीन गोई भी हूबहू पूरी हुई। एक और पेशीन गोई कुरान ने की थी, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्द वहुम मिन बादी गलबहिम सयगलिबून फी बिदई सिनीन लिल्लाहिल अम्र मिन कब्ल व मिन बाद वयौमइदिन यफरहुल मुमिनून बिनसरिल्लाह यनसुरु मन यशाउ व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। ये दरअसल सूरह रूम की आयतें हैं। इसमें वाकया ये पेश आया था कि अहले फारिस यानी ईरान वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आतिश परस्त थे, यानी आग की पूजा करने वाले थे, और उनके करीब जो रूमी थे वो ईसाई थे। अब हुआ ये कि ईसाइयों के पास आसमानी किताब मौजूद, यानी उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से इंजील अता फरमाई थी। यहां मक्का में मुसलमानों के पास आसमानी किताब यानी कुरान करीम मौजूद, तो आसमानी किताब वाले होने के नाते मुसलमान और ईसाइयों में एक दर्जा मुनासबत थी। और यहां मुशरिकीन मक्का बुतों की पूजा करने वाले और वहां ईरान में आग की पूजा करने वाले, तो पूजा यानी शिर्क के एतबार से ये दोनों में मुनासबत थी। हुआ यूं कि रूमी हमेशा गालिब रहते थे, रूम और फारिस के दरमियान जंग हुआ करती थी, रूमी गालिब रहते थे, लेकिन इत्तिफाक से उस वक्त अहले फारिस यानी ईरानी इनको फतह नसीब हुई, वो जीत गए और रूमी लोग मगलूब हो गए। इसकी खबर मुशरिकीन मक्का को हुई तो उन्होंने मक्का में खुशियां मनाई और कहने लगे कि देखो ईसाई अहले किताब तुम भी अहले किताब, अहले फारिस आग की पूजा करने वाले और हम भी बुतों की पूजा करने वाले, तो हमारे जैसे काफिरों ने तुम्हारे जैसे अहले किताब को वहां हरा दिया, शिकस्त दे दी, तो इससे हम फाल लेते हैं कि हम भी अन करीब तुमको हरा देंगे, शिकस्त दे देंगे। इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई कि जिस तरीके से अभी फिलहाल अहले फारिस रूमियों पर गालिब आ गए हैं, ये उनका गलबा लंबे वक्त तक चलने वाला नहीं है। मुशरिकी ने मक्का को इस पर खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। अनकरीब वो वक्त आएगा कि रूमी फिर से गालिब हो जाएंगे और अहले फारिस फिर से मगलूब हो जाएंगे, उनको शिकस्त होगी। जैसे ही आयत नाजिल हुई सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुशरिकीन के तोले में गए और उनको ये बात सुनाई कि तुम जो अभी खुशियां मनाते हो अहले फारिस की फतह पर, तुम्हारी ये खुशियां ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है, लंबे जमाने तक टिकने वाली नहीं है। रूमी फिर गालिब आएंगे जो कि अहले किताब है और अहले फारिस को फिर शिकस्त होगी। ये सुनकर मजमे में से उबई बिन खल्फ खड़ा हुआ और कहने लगा कि अबू बकर तू झूठा है, अगर तू सच्चा है तो एक काम कर, हमारे और तुम्हारे दरमियान एक मुद्दत मुकर्रर कर लें और हम दोनों एक शर्त लगावे 10-10 ऊंटों की कि उतनी मुद्दत में
अगर रूमी गालिब आ जाए तो उबै बिन खल्फ कहता है कि मैं शर्त हार गया, मैं तुमको 10 ऊंट दूंगा। और अगर रूमी गालिब नहीं आते हैं तो तुम शर्त हार गए, तुम मुझे 10 ऊंट देंगे। चुनांचे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस शर्त पर राजी हो गए और 3 साल की मुद्दत पर शर्त लगाई गई कि 3 साल के अंदर अंदर रूमी फिर से गालिब आ जाएंगे। अगर गालिब आ गए तो सिद्दीक अकबर शर्त जीत गए और 10 ऊंट लेंगे, और अगर रूमी गालिब नहीं आए तो शर्त हार गए और 10 ऊंट उबै बिन खल्फ को देंगे। अब ये शक्ल तो बनती है शर्त लगाना एक जुए की सी शक्ल है, लेकिन उस वक्त तक इसका हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। खैर, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु उस मजमे से वापस तशरीफ लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाकिया सुनाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की इस आयत में क्या है, फी अदनल अर्दी वहुम मिन बादी गलबहिम सयगलिबून फी बिदई सिनीन, फी बिदई सिनीन, चंद सालों में। तो हुजूर ने फरमाया कि बिदउन का जो लफ्ज है उसका मतलब 3 से लेकर 9 तक का होता है, तो तुम एक काम करो, अब 10 की बजाय ऊंटों की तादाद बढ़ा दो। मिसाल के तौर पर कहो कि 100 ऊंटों की शर्त लगाता हूं, लेकिन साथ में 3 के बजाय 9 साल की मुद्दत तय कर लो। तो एक तरफ मुद्दत बढ़ा लो, एक तरफ ऊंटों की तादाद बढ़ा लो, इस तौर पर शर्त लगाओ। चुनांचे सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला वापस गए और उबै बिन खल्फ से कहा कि मैं 10 की बजाय 100 ऊंटों की शर्त लगाने तैयार हूं, लेकिन 3 के बजाय 9 सालों तक की मुद्दत हम तय करते हैं। चुनांचे वो राजी हो गया। अब हुआ ये कि सन हिजरी 2 या 3 में गज़वे उहद पेश आया, उससे वापसी के वक्त उबै बिन खल्फ तो मर गया और उधर रूमी लोग शिकस्त के ठीक 7 बरसों के बाद अहले फारिस पर गालिब आ गए, यानी सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये शर्त जीत गए। अब चूंकि उबै बिन खल्फ तो मर गया था तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके रिश्तेदारों के पास गए, उसके वारिसों के पास गए और कहा कि इस तरीके से मेरी शर्त थी, मैं 100 ऊंट जीत चुका हूं, आप मुझे दे दीजिए। चुनांचे उबै बिन खल्फ के वारिसों ने सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को 100 ऊंट दे दिए, जैसा कि शर्त में तय हुआ था। ये 100 ऊंट लेकर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन ऊंटों का सदका कर दो। चुनांचे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन ऊंटों का सदका कर दिया। तो ये है कुरान करीम की पेशीन गोइयां कि कुरान ने पहले से कहा था कि रूमी अगरचे आज मगलूब हो गए हैं लेकिन अनकरीब गालिब हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ कि 7 सालों के बाद रूमी फिर से गालिब हो गए, अल्लाह ताला ने उनको फतह अता फरमाई। इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खुशियां भी अता फरमाई। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि कुरान करीम एकदम सच्ची पक्की किताब है, उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। कुरान की बात में जर्रा बराबर कभी भी कोई फर्क वाके नहीं हुआ और न कयामत तक कोई फर्क वाके होगा। और इससे बढ़कर एक और पेशीन गोई कुरान की, कुरान ने क्या सुनाया, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। ये कुरान का मौजिजा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कुरान को आसान कर दिया है। और वाकईतन मेरे भाइयों, आज हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा जिसको न ठीक से बोलते आता है, न जो मामलात को समझता है, कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह का कुरान पूरा का पूरा उसको मुंह पे जुबानी याद होता है। ये है कुरान को अल्लाह ताला ने आसान कर दिया, इसका मतलब। अगरचे मुसलमान इस वक्त मजमुई तौर पर इन्हितात के दौर से गुजर रहे हैं, तरक्की के दौर में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुरान का आलम यह है कि मुसलमानों के छोटे से छोटे बच्चे भी अपने सीनों में पूरा का पूरा कुरान करीम हिफ्ज किए हुए फिर रहे हैं। और आज रमजान के महीने में तरावीह पढ़ा रहे हैं। ये कुरान का मौजिजा है। वाकईतन कुरान करीम बड़ी कीमती किताब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अहकामात को जानकर उन अहकामात पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। खैर, पहली जो 2 आयतें हैं कुरान, ये सूरह नमल की, उन आयतों में
पहले हरूफ मुकत्तात के तौर पर तौसीन है, तौसीन और इस जैसे जितने भी हरूफ मुकत्तात है उसका मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आगे हैं तिलका आयतुल कुरआनी व किताब मुबीन, ये कुरान की आयतें हैं और किताब मुबीन यानी वाज़ह किताब की आयतें हैं। कुरान को कुरान भी कहा जाता है इसलिए कि वह पढ़ा जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान करीम है। और कुरान को किताब भी कहा जाता है क्योंकि लिखी गई है, तो बहैसियत किताब भी सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पढ़ी जाती है दुनिया में वो कुरान करीम है। तो ये कुरान और किताब मुबीन की आयतें हैं। हुदा व बुशरा लिल मुमिनीन, ये कुरान की आयतें ईमान वालों के लिए हिदायत का जरिया है और खुशखबरी सुनाने वाली है। खैर, आज का दर्स यहाँ तक रखते हैं, बकिया इंशाल्लाह आइंदा कल। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम को खूब पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाए, उसके अहकाम को जानकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये कुरान का महीना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया। ये लोगों के लिए हिदायत है, खुशखबरी सुनाने वाला है। तो ईमान वालों को चाहिए कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करें और ऐसी तफसीरों के जरिए और तर्जमों के जरिए कुरान के अहकाम को मालूम करने की कोशिश करें और उन अहकाम पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।